धार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागपत 3 अक्टूबर की शाम 4 बजे घर पर पानी में टंकी में डूब जाने वाले 5 वर्षीय बालक हसन अली को उपचार हेतु लाया गया। समुचित उपचार नहीं किए जाने लापरवाही का परिजनों द्वारा आरोप लगाते हुए विवाद बढ़ गया। ड्यूटी पर पहुंचे डॉक्टर वीरभद्र मुवेल द्वारा परिजनों पर मारपीट किए जाने की बात कही। वहीं स्टाफ की नर्सों ने भी परिजनों पर अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। गर्माते विवाद के बीच उपचार हेतु ले गए बालक की कुक्षी अस्पताल में मौत हो गई। आज बाग एवं टांडा स्वास्थ्य केंद्रों के सभी चिकित्सक नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस थाना बाग पर डॉक्टर वीरभद्र मुवेल ने परिजनों द्वारा मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं इस घटनाक्रम में समस्त स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर न्याय और सुरक्षा किए जाने की मांग को लेकर ड्यूटी के बहिष्कार की घोषणा कर आरोपियों को तत्काल पकड़ने की मांग को लेकर थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। उधर मृत बालक के परिजनों ने अपने समाजजनों के साथ पुलिस थाना बाग पर एकत्रित होकर डॉक्टर वीरभद्र मुवेल के खिलाफ इलाज में लापरवाही गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाते हुए बालक की मौत का जिम्मेदार ठहराया एवं धरना देकर धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज करने का आवेदन दिया। समाचार लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। अभी सर थाना प्रांगण में किस चीज का आवेदन दिया गया था? कल शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी हुई, उस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया था जी। और अभी ज्ञापन के दौरान डॉक्टर साहब से चर्चा हुई है कि हम लोग जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर देंगे और सुरक्षा के लिए और जो हमसे संभव रहेगा उसके लिए प्रयास करेंगे। इसमें अगर किसी तरह की कोई कायमी FIR हुई है बाग थाने में सर? हाँ, एक कायमी हुई है डॉक्टर साहब की तरफ से। ठीक है, धन्यवाद। पुलिस थाना प्रांगण में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कल जो मारपीट की घटना घटी थी उसके बारे में FIR दर्ज की गई है, इसके बाद आपने क्या निर्णय लिया? उसके बाद हमने DMO सर से बात किया है कि हम लोग जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग कोरोना काल में 24 घंटे ड्यूटी करके लोगों की जान बचा रहे हैं और यहाँ पे अगर हम लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होगी तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुवेल सर को मारा गया है, प्लस मेरे दो स्टाफ नर्स थे उनके ऊपर भी मतलब ट्रे फेंकी गई है, इससे उनको चोट आ सकती थी। आज अगर मेरा कोई भी स्टाफ ड्यूटी पे जाता है तो उसके साथ कोई भी घटना होती है तो उसके लिए हमको सुरक्षा चाहिए। बस दूसरी चीज़ ये है कि जब तक उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाए या हमको न्याय नहीं मिले, जब तक हम हमारी ड्यूटी पे उपस्थित नहीं होंगे तब तक हम यहीं पर रहेंगे। और मेरा ये कहना है कि कोई सभी स्टाफ हम लोग के साथ में है, मुवेल सर अकेले नहीं है, और मेरा यही कहना है कि हम लोग उनको न्याय दिला के रहेंगे। और हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, चाहे हम बीमार रहें चाहे हमारा परिवार कहीं भी हो, पर हम अपनी ड्यूटी पे उपस्थित रह के काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे साथ होना नहीं चाहिए। क्या नाम आपका मैम? डॉक्टर नेहा मालविया, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा। थैंक यू। सर क्या घटना घटी कल हॉस्पिटल में? कल घटना ये घटी, एक पेशेंट को लेके आए 4 साल के बच्चे को और करीबन 8 से 10 लोग थे। मैं हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचा मैं उन्हीं के साथ हॉस्पिटल गया, उन्हीं के साथ एक जयप्रकाश शिंदे करके थे, वही मुझे भीगते पानी में गिरते पानी में लेके गए और मैंने तुरंत पेशेंट को देखा, मैंने सर्टिफाई किया कि पेशेंट नहीं बच पाया। जैसे ही मैंने उनको ऐसा बताया उनमें से एक ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे झापट मारा और साथ में मेरे साथ सिस्टर्स थी रिंकू डावर और अनीता। तो रिंकू डावर को भी उन्होंने ट्रे फेंक के मारी और गालियां तो इस कदर दे रहे थे, मैं जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही गाली गलौज से ही बात की उन्होंने, और यही चीज़ रही मेरे साथ कल जो भी रहा। उसके बाद भी मैंने ट्रीटमेंट किया पर वो नहीं माने, अपने पेशेंट को लेके हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही पेशेंट को लेके चले गए। आपके साथ सर मारपीट हुई ऐसी भी जानकारी लगी? बिल्कुल, मुझे झापट मारा गया, उन्होंने मारपीट की मेरे साथ। अब सर आप क्या चाहते हो आज थाने में आवेदन देखें? मैं बस यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और ऐसी घटनाएं न हो। दूसरी, हमारी सुरक्षा के लिए भी कुछ रखा जाए वहां, क्योंकि 3 किलोमीटर यहां से बाहर है, आउटर में है हॉस्पिटल। हमारे साथ सिस्टर्स रहती हैं जो कि लेडी हैं, हम लोग हैं सिंगल रहते हैं, कब क्या होता है, अब इस चीज़ का भय तो हमेशा बना ही रहेगा। जब तक इस संबंधित आरोपी नहीं पकड़ा जाता स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से निश्चित हड़ताल पर रहेगा? हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तब तक के हम काम न करें। किसके नाम से आपने FIR दर्ज करी है? FIR तो मैंने अज्ञात ही किया क्योंकि मुझे उस आदमी का नाम नहीं पता जिसने मुझे मारा है, हालांकि मुझे उस बालक का और उसके पिताजी का नाम पता है, तो मैंने उनका संदर्भ दिया है। धन्यवाद सर।
Subscribe now to most exciting channel ever.